हेलो फ्रेंड, मैं मंजीत कुमार। आज की इस वीडियो में देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी क्लास 10 का। वेलकम टू माय चैनल स्टडी 22 और ऑनलाइन है। सभी प्रश्न इसी वीडियो से ही आएगा फ्रेंड। 100 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे तो, और टोटल क्वेश्चन NCERT से ही रहेगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर है, यहाँ पहले देखेंगे क्लास 10th हिंदी VBA ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है फ्रेंड, तो हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर है। कौन है तो भीमराव अंबेडकर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो किसे मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं। तीसरा है यहाँ पे फिर, तीसरा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। आवश्यक क्यों मानते हैं, तो क्यों मानते हैं, तो कार्य कुशलता के लिए। क्यों मानते हैं, तो कार्य कुशलता के लिए। फोन नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ्य बाबा साहेब के किस भाषा भाषण का संपादित अंश है। किस भाषण का संपादित अंश है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लिए संपादित है। फाइव नंबर है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार से हुआ था। अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार से हुआ था, तो दलित परिवार से। किस परिवार से, तो दलित परिवार से। सिक्स नंबर है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। डॉक्टर अंबेडकर मतलब भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था, तो भीमाबाई। सेवन नंबर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। एट नंबर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाइन नंबर है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं, तो श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी। किसका रूप लिए हुए हैं, तो श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। टेन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेन नंबर है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना, तो जाति प्रथा को उन्होंने खतरनाक माने। इलेवन नंबर है, इलेवन नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो किसने कही है, तो सेन साहब ने ही बोले थे कि गुंडे चोर डाकू बनते हैं। किसने कहे थे, तो सेन साहब ने ही कहे थे। बारह नंबर क्वेश्चन है, ट्वेल्व है, बीस के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। तेरह नंबर है यानी 30, यहाँ पे खोखा का क्या नाम था। खोखा का क्या नाम था, तो कासू नाम था। क्या नाम था, तो कासू नाम था। खोखा का क्या नाम है, तो कासू नाम है, नंबर सी। चौदह नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। पंद्रह नंबर है, बीस के दांत पाठ की विधा है। बीस के दांत पाठ की विधा क्या है, तो कहानी है। क्या है, तो कहानी, ऑप्शन नंबर बी। सेन साहब की कार की कीमत कितनी है, तो सेन साहब की कार की कीमत 7,500 है। कितनी है, सेन साहब की कार की कीमत कितना है, तो 7,500 है। 17 यानी 17 नंबर है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 जनवरी 1996 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 18 जनवरी 1996 ईस्वी को हुआ था। 18 नंबर है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था,
ल अब मोटर कार को खतरा किसे हो सकता था, तो किसे हो सकता था तो खोखा से होता है, किसे हो सकता था तो खोखा से। नाइनटीन है कि सेन साहब की आंखों का तारा है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है तो उसका है बेटा कौन है, खोखा। कौन है सेन साहब की आंखों का तारा कौन है तो खोखा है। अब लो खोखा के दांत किसने तोड़ा, खोखा के दांत किसने तोड़ा तो किसने तोड़ा, मदन ही ने तोड़े थे। खोखा के दांत किसने तोड़ा था तो मदन ने ही तोड़े थे। 21 है, 21 सीमा रजनी आलू शिफानी आरती पांचों किसकी बहने थी, यानी बहने होगा बहने थी तो किसकी थी, खोखा की। पांचों किसकी बहन थी तो खोखा की बहन थी। 5 नंबर है मदन किसका पुत्र था, मदन किसका पुत्र था तो गिरधर का पुत्र था, मदन किसका पुत्र था तो गिरधर का पुत्र था। नलिन बुलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, नलिन बुलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था तो बदरघाट पटना में हुआ था, कहाँ हुआ था तो बदरघाट पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। ट्वेंटी फोर है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था तो स्वामी विवेकानंद ने कहे थे वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था तो मैक्स मूलर ने। 25 नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे आंसर टी दिया है फ्रेंड गलती है क्योंकि अपना ही राज्य बिहार में स्थित है। 26 नंबर है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है, यह उक्ति किसकी है तो कालिदास की है, यह उक्ति किसकी है तो कालिदास की, कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसकी है तो कालिदास की है। 27 नंबर है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा, तो किसे कहा मैक्स मूलर को, इसके पीछे आया था क्वेश्चन फ्रेंड उल्टा यहाँ पे आया है। 28 नंबर है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नौ जीन का संचार हो चुका है, नौ जीन का संचार हो चुका है तो नीति कथा का किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नौ जीन का संचार हो चुका है तो नीति कथा का। 29 नंबर है दानिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, तो किसे मिला था वारेन हेस्टिंग्स को मिला था सोने से भरा घड़ा। 30 है मेघदूत का जन्म में अनुवाद किसने किया, मेघदूत का जन्म में अनुवाद किसने किया फ्रेंड तो मैक्स मूलर ने किए थे, किसने किए थे तो मैक्स मूलर ने किए थे। 31 नंबर है थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। 31 नंबर है मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्थिति में लिप्चिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का आरंभ अध्ययन प्रारंभ किया, ठीक तो किसमें अठारहवीं में अध्ययन प्रारंभ किए थे, संस्कृत का अध्ययन कब प्रारंभ किए तो 18 में। यहाँ पे 32 है भारत से हम क्या सीखे क्या है तो भाषण है। यहाँ पे मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं तो ग्रामीण
भारत में, कहाँ तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। यहाँ पे चौथे थे प्लेटो और कांट थे महान, प्लेटो और कांट थे महान। ठीक, तो दार्शनिक का दार्शनिक दार्शनिक क्या था, तो दार्शनिक दार्शनिक। आगे चलते हैं, 35 नंबर है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो किस पुस्तक में, तो काम सूत्र में, किस में, तो काम सूत्र में मिलता है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था, तो कालिदास ने ही बोले थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, किसने कहे थे, तो कालिदास ने बोले थे। 37 में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 38 में ललित निबंध है, ललित निबंध है, तो अभी पढ़े नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है, तो ललित निबंध है। 39 नंबर है, पुराने का मुंह समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है, तो किस लेखक के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह पंक्ति है कि पुराने का मुंह समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक का पंक्ति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन नंबर सी। 1 दधीचि की हड्डी से क्या बनता है, तो इंद्र का वज्र, क्या बनता है, तो इंद्र का वज्र, ऑप्शन नंबर सी, इंद्र का वज्र बनता है। 41 नंबर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। 42 में नख मतलब नाखून किसका प्रतीक है, नाखून किसका प्रतीक है, तो पशुता की प्रतीक है, किसका प्रतीक है, तो पशुता का। 43 नंबर है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत जीवंत प्रतीक है, किसके जीवंत प्रतीक है, तो पाशवोति वृत्ति के। 44 नंबर है, सहजात सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियों को, अनजान स्मृतियों को कहते हैं। 45 में द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो किसने पूछा, लड़कियों ने पूछे थे कि द्विवेदी जी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो किसने पूछा, लड़कियों ने। 47 से नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना था, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना था, तो प्रेम को, किसे माना था, तो प्रेम को, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केलर्स के द्वारा शब्द किस लिपि में लिखी गई है, किस लिपि में लिखी गई है, तो नगर लिपि में, मतलब केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है, तो नगर लिपि में लिखी गई है। 49 नंबर है, नगर लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है, नगर लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है, तो गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा था, तो नंदी नागरी, क्या कहा था, तो नंदी नागरी कहे थे। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा था, तो नंदी नागरी कहे थे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ इस तरह तो आप तक पहुँच सके। यह 2022 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सभी प्रश्न को ठीक से देखकर जाइएगा। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।